नमस्कार मित्रों, मैं हकीम नवीन दत्ता आप सबको अपने YouTube चैनल बाबा हकीम दरबा वाले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सदर की तरह आज भी आपके सामने मैं एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व कि मैं अपने विषय का आरंभ करूँ, सभी पुराने मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो भाई मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोने में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पे आपके सामने उपस्थित हो। तो मित्रों, आज का विषय है काली खांसी। काली खांसी क्या होती है और इस पे कौन सा नुस्खा जो कि हम इस्तेमाल में कर लाने से इससे हम जो है पूर्णतः छुटकारा पा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मतलब काली खांसी बच्चों के लिए एक बहुत ही प्राण घातक बीमारी होती है। ये वो खांसी है जो महीनों और सालों तक रहती है, ना कि एक या दो दिन के अंदर इस पे काबू पाया जा सकता है। तो मैंने अपने 12 साल के अनुभव के अनुसार देखा है कि जब भी किसी को काली खांसी लगी है तो बहुत ज्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद साधारण से और सरल से नुस्खों से उस पर पूर्ण जो है निजात पाई गई है, उससे पूर्णतः छुटकारा पाया गया है। हालांकि मैंने 60-70 हजार रुपए की दवाई खाने पर भी और महंगे से महंगे टेस्ट करवाने पर, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी पेशेंट को कभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं देखा। और आयुर्वेद, मात्र आयुर्वेद के इलाज से ही उनको आरोग्यता प्राप्त हुई। तो ये मित्रों मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सच में काली खांसी चाहे वो बच्चों में हो या बूढ़ों के अंदर हो, एक बहुत ही दुखद अनुभव का नाम है, एक बहुत ही दुखद बीमारी है और ये बहुत ज्यादा कष्टकारी है। अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर अटक जाती है जब इसका दौरा आता है। तो दोस्तों, पहले मैं इसका आपको नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा लिख लीजिएगा और बहुत ही काम आने वाली चीज है, क्योंकि बच्चों को ये ज्यादा होती है। इसको काली खांसी कहा जाता है साधारण सी भाषा में। तो इसके के लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, तो कॉपी पेन जरूर रख लें मित्रों। तो मित्रों, आपने साधारण नारियल का तेल ले लेना है, कोकोनट ऑयल ले लेना है, सिर्फ साधारण सा नुस्खा है। कोकोनट ऑयल को मात्र 3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम बच्चों को पिलाने से काली खांसी जड़ से मिट जाती है मित्रों, और बहुत ही जल्दी लाभ होता है। और इसके साथ आप चरणामृत रस नाम की एक शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि है, इसका आप पान करवाएं मधु के साथ यानी शहद के साथ, तो शीघ्र अति शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ ये एक मामूली सा नुस्खा है और बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त एक नुस्खा मैं आपको और बताता हूँ कि भुनी हुई फटकड़ी ले लें, फटकड़ी को शुद्ध कर लें यानी फुला दें, तो उसके अंदर एक रति शक्कर, शक्कर कौन सी लेनी है, लाल खांड के नाम से भारतीय में उपलब्ध होती है, उस शक्कर को मिला लें और दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ खिलाएं, तो काली खांसी मित्रों जड़ से मिट जाएगी। यह दो नुस्खे मैंने आपको बड़े सरल और साधारण बताए और साथ में एक शास्त्रीय औषधि चरणामृत रस के बारे में आपको मैंने उसके में विस्तार पूर्वक उसका विवरण बताया मैंने आपको। तो मित्रों, आज का नुस्खा बहुत ही कारगर था। तो फिर मिलेंगे एक नए नुस्खे के साथ आप सबके सेवा में। तब तक दवाओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।